What's up guys, Sanjot Kir here, welcome to IFL. मुंबई स्टाइल ग्रीन कीमा पाव की रेसिपी आज बना रहा हूँ। अब मुंबई में कई अलग अलग तरीके के कीमा बनते हैं, पर एक ग्रीन वाला वर्जन बनता है जो बहुत ही डिलिशियस लगता है। ये पारसी ईरानी कैफेज जो है वहाँ पर ब्रेकफास्ट में सर्व किया जाता है और बहुत ही इंटरेस्टिंग रेसिपी बनती है, आसान भी है बहुत बनाना। और इस वीडियो के एंड में मैं इस कीमे को दो अलग अलग तरीकों से सर्व करने वाला हूँ, एक तो जो हमारा कीमा पाव वाला वर्जन है बेसिक वाला, और दूसरा ब्रेकफास्ट में ये कीमे के ऊपर कई बारी एक हाफ फ्राइड एग ऐड करके खाया जाता है, अंडे वाला कीमा, वो भी बहुत मज़ा आता है खाने में, तो वैसे भी प्लेट करने वाला हूँ। सबसे पहले ये वाले कीमा पाव बनाने के लिए एक हरे मसाले की पेस्ट बनानी पड़ती है, वो कैसे बनाते हैं वो देख लेते हैं। एक मिक्सर ग्राइंडर जार में एक कप फ्रेश धनिया ऐड कर रहा हूँ, धनिया थोड़ा सा ज़्यादा लगता है रेसिपी में। साथ ही में 10 से 12 पुदीने के पत्ते, 3 से 4 पालक की पत्तियाँ, ये ऑप्शनल है सिर्फ हरे कलर के लिए, 3 से 4 तीखी वाली हरी मिर्च, 1 टेबलस्पून साबुत धनिया, 1 टीस्पून साबुत जीरा, 2 हरी इलायची, 4 से 5 साबुत काली मिर्च। अब एक बड़ी इलायची के सिर्फ बीज निकाल कर मैं ऐड कर रहा हूँ, आपको बाहर का हिस्सा ऐड नहीं करना है। साथ ही में यहाँ पर मैं कुछ आइस क्यूब्स ऐड कर रहा हूँ वो ग्रीन कलर रिटेन करने के लिए। थोड़ा सा पानी ऐड कर दीजिए आसानी से इस पेस्ट को बनाने के लिए। अब एक आपको फाइन पेस्ट तैयार कर लेनी है, कम से कम पानी यूज़ कीजिए पेस्ट बनाने के लिए, बहुत ज़्यादा पतली आपको पेस्ट नहीं बनानी है। अब आप देख सकते हो मेरी हरे मसाले की पेस्ट जो है वो रेडी हो गई है, इस पेस्ट को हम इस रेसिपी में बाद में यूज़ करेंगे। अब एक तवे के अंदर मैं 1/3 कप ऑयल ऐड कर रहा हूँ, तेल इस रेसिपी में थोड़ा सा ज़्यादा इस्तेमाल होता है, आप चाहिए तो कम तेल भी इस्तेमाल कर सकते हो और इस रेसिपी को एक कढ़ाई में भी बना सकते हो। तेल एक बार गर्म हो जाए तब इसके अंदर मैं अभी 6 से 7 मीडियम साइज़ के प्याज ऐड कर रहा हूँ। प्याज ऐड करने के बाद अच्छे से स्टर कर लीजिए। अब प्याज को आपको मीडियम हाई फ्लेम पर लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक भूनना है, लगभग 5 से 6 मिनट लग जाएंगे प्याज को लाइट गोल्डन ब्राउन होने में, तब तक अच्छे से प्याज को भूनिए स्टर करते हुए। प्याज को आपको बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है, बस लाइट गोल्डन ब्राउन कलर आ जाए तब तक भूनना है। अब आप देख सकते हो कि प्याज का कलर जो है लाइट गोल्डन ब्राउन हो चुका है। अब इसमें मैं 4 से 5 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक की पेस्ट ऐड कर रहा हूँ। अदरक लहसुन की पेस्ट को भी अच्छे से मिला लीजिए और 3 से 4 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर आपको अदरक और लहसुन को भी भूनना है, जब तक इसका जो रॉ फ्लेवर है वो नहीं चले जाता है। अब इस स्टेज पर हमें मटन कीमा ऐड करना है। आप देख सकते हो मटन कीमा जो है वो मैंने हैंड चॉप करवाया है, मशीन वाला कीमा नहीं यूज़ कर रहा हूँ। कोशिश कीजिए कि मटन कीमा में थोड़े थोड़े से छोटे छोटे पीसेस रह जाने चाहिए मटन के। टेस्ट के हिसाब से नमक, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, ये आपको कीमे को 10 से 15 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर स्टर करते हुए कुक करना है। कीमे को स्टर नहीं करोगे तो कीमे की गुठलियाँ बन जाती हैं, तो कंटिन्यूसली स्टर करते रहिए 10 से 15 मिनट तक, जब तक कि मटन का कलर चेंज नहीं हो जाता है तब तक इस मटन कीमा को कुक कीजिए। और एक बात, मटन कीमा जो मैंने आज लिया है इसमें जो 80% है वो मैंने मटन लिया है और 20% मटन का फैट लिया है, यानी कि जो थोड़ी चर्बी होती है वो ली है। ये कॉम्बिनेशन से इस रेसिपी में बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं, आप कोशिश कीजिए अगर यूज़ कर सकते हैं तो, नहीं तो आप 100% मटन कीमा भी यूज़ कर सकते हैं। अब आप देख सकते हो 15 मिनट हो चुके हैं, मटन का जो टेक्सचर है एकदम परफेक्ट है, मटन का कलर भी जो है वो चेंज हो चुका है। अब मैं इसके अंदर जो हमने हरे मसाले की पेस्ट बनाई थी वो ऐड कर रहा हूँ। साथ ही में एक बोल के अंदर 1/3 कप दही, बस 2 टीस्पून तीखी वाली लाल मिर्च, 3 टेबलस्पून धनिया पाउडर और 1 टेबलस्पून जीरा पाउडर, ये सारे इंग्रेडिएंट्स ऐड करके अच्छे से विस्क की मदद से मिला लीजिए। जो दही है उसमें गुठलियाँ नहीं होनी चाहिए, एकदम स्मूथ पेस्ट बन जानी चाहिए। अब इस दही और मसाले वाले मिक्सचर को भी मैं मटन के अंदर ऐड कर रहा हूँ और सारे चीज़ों को अच्छे से मिला रहा हूँ। अब आपको मटन को फिर से 15 से 20 मिनट के लिए कुक करना है। यहाँ पर आप ध्यान देंगे कि आपकी जो फ्लेम है वो लो पर रखनी है, एकदम धीमी आंच पर आराम आराम से मटन को पकाना है कि आपका जो मटन है वो जूसी रहे, एकदम सॉफ्ट और टेंडर बने। हाई फ्लेम पर अभी आपको मटन को कुक नहीं करना है। मैंने आज जो लाल मिर्च पाउडर का इस्तेमाल किया है, अगर आप बहुत ज़्यादा ग्रीन कलर चाहते हैं इस कीमा का तो आप लाल मिर्च पाउडर का यूज़ नहीं करेंगे, एक हरी मिर्च जो है वो आप बढ़ा देंगे पेस्ट के अंदर। लाल मिर्च से क्या होता है वो हल्का सा ब्राउनिश कलर भी आ जाता है, जो मुझे पर्सनली पसंद है, इसलिए मैंने हल्की सी लाल मिर्च पाउडर का भी यूज़ किया है। अब मटन को अच्छे से पकाते रहिए लो फ्लेम पर कम से कम 15 से 20 मिनट के लिए, आपको बहुत ज़्यादा स्टर नहीं करना है, बीच बीच में स्टर कीजिए और मटन को अच्छे से 15 से 20 मिनट के लिए पका लीजिए। अब आप देख सकते हो मटन का थोड़ा टेक्सचर और बदल चुका है, मटन थोड़ा और पक चुका है।
15 से 20 मिनट हो चुके हैं। इस स्टेज के ऊपर मैं यहाँ पर आधा कप इसमें ताज़े मटर ऐड कर रहा हूँ। साथ ही में मैंने यहाँ पर 1/4 कप सुआ यानी कि डिल लीव्स ले लिए हैं, जिसे शेपू भी कहा जाता है। इसे फाइनली चॉप कर लिया है और इसे मैं अभी कीमा के अंदर ऐड कर रहा हूँ। साथ ही में 3 से 4 ग्रीन चिलीज को, हरी मिर्च को मैंने स्लिट करके ऐड कर दिया है। अब सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अब आपको मटन को लो फ्लेम पर ही कंटिन्यूसली कुक करना है, हाई फ्लेम पर कुक नहीं करना है। और मटन जब तक कि पूरी तरीके से अभी पक नहीं जाता है तब तक हम मटन को पकाएंगे। अगर आपको ऐसा लगता है कि मटन काफ़ी ड्राई हो गया है और पानी जो है मटन का वो सूख चुका है, तो आप इस स्टेज के ऊपर हल्का सा गर्म किया हुआ पानी यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। कोशिश कीजिए कि इस रेसिपी में कम से कम पानी का इस्तेमाल करें। अब मैंने पानी ऐड करके भी अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब मैं मटन को ऑलमोस्ट आधे घंटे के लिए और पकाने वाला हूँ। मटन कीमा का जो कुकिंग टाइम है वो मटन की क्वालिटी पे वेरी होते रहता है। अगर अच्छे क्वालिटी का मटन है तो टोटल 1 घंटे में आपका मटन कीमा बहुत अच्छे से पक जाएगा। अगर थोड़ी सी क्वालिटी ऊपर नीचे तो 1.5 से 1.5 घंटा भी लग सकता है। अभी मैं बीच बीच में स्टर करते हुए आधे घंटे के लिए और मटन को पका लूँगा और मटन हमारा जो एकदम परफेक्टली कुक हो जाएगा। अब आधा घंटा हो चुका है, आप देख सकते हो कि मटन जो है वो अच्छे से पक चुका है। इसका जो फैट है वो भी कम्प्लीटली सेपरेट हो गया है और टेक्सचर कंसिस्टेंसी मटन की एकदम परफेक्ट है। मैं यहाँ पर और गर्म पानी भी ऐड नहीं करने वाला हूँ कंसिस्टेंसी एडजस्ट करने के लिए। अगर आप चाहते हैं आपको थोड़ा सा ढीला कीमा चाहिए और, तो आप इस स्टेज पर भी हल्का सा गर्म पानी ऐड करके कंसिस्टेंसी को एडजस्ट कर सकते हैं। अब एक फाइनल स्टेप रह गया, एक ऑप्शनल स्टेप है। यहाँ पर एक पैन के अंदर मैं 2 टेबलस्पून मक्खन ऐड कर रहा हूँ। मक्खन को थोड़ा सा गर्म कर लीजिए, अच्छे से मेल्ट होने दीजिए और फिर इसके अंदर आपको थोड़ी सी कसूरी मेथी ऐड करनी है। 1 टेबलस्पून कसूरी मेथी ऐड कर दीजिए। ऐड करते ही हल्की सी सिजल हुए कसूरी मेथी, फिर ये जो कसूरी मेथी और बटर वाला तड़का है ये कीमे के अंदर आपको ऐड कर देना है। तड़का ऐड करते ही मैं इसमें 1 टीस्पून मेरा होममेड वाला गरम मसाला ऐड कर रहा हूँ। तो तड़का और गरम मसाला ऐड करने के बाद यहाँ पर बस आप अच्छे से स्टर कर लीजिए। अभी आपको कीमा को और ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है। इस स्टेज पर मैं खाली टेस्ट कर रहा हूँ, नमक चेक कर रहा हूँ। टेस्ट करके नमक चेक कर लीजिए और अगर चाहिए तो थोड़ा आप नमक यहाँ पर ऐड कर सकते हो। नमक हल्का सा कम था तो मैंने भी थोड़ा सा नमक ऐड कर दिया है। बस एंड में खूब सारा ताज़ा कटा हुआ धनिया इसमें ऐड कीजिए। धनिया ऐड करने के बाद अच्छे से स्टर कर लीजिए और हमारा हरे मसाले वाला मटन कीमा रेडी हो गया। कीमा हमारा रेडी हो गया है, साथ में इसके पाव सर्व करने वाला हूँ। थोड़ा सा प्याज, थोड़ी सी हरी मिर्ची और नींबू, ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लगता है। तो सबसे पहले नॉर्मल तरीके से प्लेट करना है, सो लेट्स प्लेट दिस कीमा पाव वाईफल स्टाइल। पहली प्लेटिंग तो हमारी हो गई और बहुत ही डिलिशियस बना है कीमा पाव। अब दूसरा तरीका जो मैंने आपको बताया था, अंडे वाला कीमा जो सर्व किया जाता है वो कैसे करते हैं वो देख लेते हैं। मुंबई स्टाइल ग्रीन कीमा पाव इस तरीके से बनता है और बहुत ही डिलिशियस लगता है। आप दोनों तरीके से बना सकते हो, जैसे मैंने पहला तरीका बनाया था और दूसरा तरीका जो है जिसके ऊपर एक हाफ फ्राइड एग विद द रनी योक, वो भी बहुत मज़ा आता है। यूजुअली ब्रेकफास्ट में खाया जाता है ये मुंबई में, लेकिन आप कोई भी टाइम पे लंच में डिनर में भी बनाकर खा सकते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया थोड़ा सा फैट ज़्यादा होता है इस रेसिपी में। अगर आपको थोड़ा लाइट इस रेसिपी को बनाना है, तेल कम यूज़ कीजिए, बटर मत ऐड कीजिए, मटन फैट मत ऐड कीजिए, तो काफ़ी लाइट भी बन जाती है रेसिपी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसी तरीके से रेसिपी को बनाओ और मुझे बताओ कमेंट्स में आपको कैसे लगी। शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, हिट द लाइक बटन इफ यू लाइक दिस रेसिपी।
follow and subscribe to YFL if you haven't yet. Have an amazing time with this beautiful green keema power recipe, Mumbai style, at your home. Cheers.